हाय दोस्तों, स्पोर्ट विद मनीष पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो इस टाइम पे मैं हूँ सहरसा में और नियर अबाउट सहरसा रेलवे स्टेशन के, और यहाँ पे जिस होटल में मैं आज रुका हूँ उस होटल का मैं आपको टूर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये होटल जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप सहरसा अगर आप आते हैं तो इस होटल में आप रुकना चाहें, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका मैं आपको टूर देने वाला हूँ, आप आसानी से रह सकते हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, यहाँ पे जब आप आओगे ठहरने के लिए आपका जो है दिल खुश हो जाने वाला है। ये पहली बार मैं किसी वीडियो में बोल रहा हूँ, रियल में मैं कह सकता हूँ कि आपका जो है दिल खुश हो जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले बालकोनी वगैरह का व्यू दे देता हूँ। ठीक है, जैसे हम जीना से चढ़ के ऊपर आएंगे तो ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके की हॉल्स बने हुए हैं जहाँ से आप रूम वगैरह में जा सकते हैं। देखिए, एक तो सामने चले जाने पे सामने बहुत सारे रूम्स हैं। ठीक है, देन यहाँ पे भी अगर अंदर जाते हैं यहाँ पे भी रूम्स हैं, और देन यहाँ पे भी जाते हैं आगे भी जाके रूम्स हैं। और ये जो फ्लोर है, हम सेकंड फ्लोर पे हैं, इसके नीचे भी एक फ्लोर दिया गया है फर्स्ट फ्लोर, उस फ्लोर के ऊपर भी काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं। यहाँ के स्टाफ के अकॉर्डिंग मैंने पूछा, बोले कि 100 रूम्स हैं इसमें टोटल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गैलरी वगैरह जो काफ़ी अच्छी है, छत वगैरह काफ़ी अच्छी है। और थोड़ा सा अगर मैं आपको बाहर का व्यू दूं होटल के, जब आप इन करेंगे तो आप इन करने के बाद जो है कुछ नीचे का व्यू कुछ इस टाइप का आपको मिलेगा। ये जो सामने देख रहे हैं ये होटल का रिसेप्शन है, होटल कोसी निवास इसके ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर आपको पार्किंग और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप फोर व्हीलर से आओ चाहे आप टू व्हीलर से आओ, आप आसानी से यहाँ पर अपने बाइक या फिर कार को पार्क कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको देता हूँ एक बार मैं रूम टूर। ठीक है, इसमें आपको सिंगल बेड, डबल बेड, एसी, नॉन एसी, हर तरह का रूम आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको सिंगल बेड दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हम रूम से एंट्री लेते हैं तो रूम कुछ आपको इस टाइप का मिलता है। अगर मैं व्यू दूँ आपको कुछ इस तरीके की, लाइट की कमी होगी तो हो सकता है कम आपको शाइनिंग वगैरह मार रहा हो। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बेड पे आते हैं तो बेड आपका सिंगल बेड होता है, वाइट कलर की बेडशीट है, साथ ही साथ पिल्लो मिल जाता है, साथ ही साथ आपको एक ब्लैंकेट मिल जाता है। लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट में आपको जो है विंडो मिल जाता है, और ऊपर आपको पावर स्विच वगैरह जहां से आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। देन सामने एक आपको रेक मिल जाता है जहाँ पर अपने क्लॉथ वगैरह को हैंग कर सकते हैं। वापस से आपको एक यहाँ पर विंडो मिल जाता है, आप खोलना चाहें विंडो खोल सकते हैं। ठीक है, नॉन एसी है, गर्मी के दिन में आपको दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती है। और सामने आपको एक मिल जाता है LED TV जहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना मनोरंजन कर सकते हैं। और इधर की बात करूँ तो एक छोटा सा मिरर आपको, जिससे आप जो है रेडी वगैरह हो सकते हैं। और मिरर के पास में ही एक छोटा सा टेबल दिया गया है, और टेबल के साथ साथ में आपको दो चेयर जिस पर बैठ करके आप अपना कोई भी वर्क को पूरा कर सकते हैं। कुछ मैट वगैरह आपको मिल जाता है। फर्श वगैरह की बात करूँ दोस्तों, अभी ये जो होटल है थोड़ा सा चेकआउट हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा गंदा आपको नज़र आ रहा होगा। साथ ही साथ आपको एक डस्टबिन, वाशरूम की बात करें तो वाशरूम जो है ये है आपका, और ये रहा, काफ़ी अच्छा है, खुला खुला है। ठीक है, कंजस्टेड नहीं है, बहुत जगह कई बार होता है कंजस्टेड होता है, ये खुला खुला है काफ़ी। और फर्श वगैरह बताया अभी जो है यूज हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा गंदा होगा। हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों का ही यहाँ पर फैसिलिटी दिया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे बेसिन, एक मिरर, शॉवर भी दिया गया है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। और रूम के अगर मैं टॉप की बात करूँ तो टॉप भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जो है यहाँ का है। और यहाँ पे एक भैया अभी आए हुए हैं जो कि रूम चाहिए उनको, आई थिंक ये चेक इन करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा, मैंने आपको जो रूम टूर यहाँ का दे दिया, काफ़ी मेरे को यहाँ का एटमोसफेयर जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा अट्रेक्टिव लगा, है ना। इसमें टोटल कितने कमरे बताए थे, 100 कमरे, 100 कमरे हैं टोटल, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों मिला के, और 100 अभी घट गए, नीचे टूट गए हैं। अच्छा, नीचे कुछ टूट गए, मतलब 100 के आसपास में है। हाँ, 80-85, हाँ 80-85 रूम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो काफ़ी बड़ा सा होटल है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, मिल जाता है। ठीक है, और मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो प्राइस जो है मुझे सिंगल रूम का पड़ा 400 नॉन एसी। ठीक है, नॉन एसी रूम सिंगल बेड 400 रुपये। अगर डबल बेड की बात करूँ, डबल बेड नॉन एसी मिलता है क्या? डबल बेड नॉन एसी, हाँ। वो कितने का होता है? 750। 750 रुपये का आपको डबल बेड मिल जाता है। ठीक है, 400 में सिंगल बेड, 750 में डबल बेड नॉन एसी।
सिंगल बेड एसी की बात करें तो कितने का है? ₹850। सिंगल बेड अगर आप एसी में लेते हो आपको ₹850 का मिलता है, और डबल बेड एसी में करीब ₹1250 का आपको मिलता है डबल बेड। ठीक है, हो सकता है 10-20-50-100 कुछ कम ऊपर नीचे हो, तो अकॉर्डिंग करता है सीजन के ऊपर सारा कुछ अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा होटल टूर, साथ ही साथ मैंने आपको नीचे का स्पेस आपको दिखाई दिया। बाकी इसका जो लोकेशन है दोस्तों, बिल्कुल ये जैसे आप रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलते ही आपको बहुत बड़ा सा बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा, होटल कोसी निवास। ठीक है, होटल कोसी निवास आप किसी से पूछोगे कोई भी आपको बता देगा, बाहर निकलते ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी जैसे मैं नीचे उतरूंगा तो नीचे उतरने के बाद जो मैं आपको यहाँ का लोकेशन भी एक बार आपको दे दूंगा, ताकि आप जो आसानी से कैच कर सको कौन सा होटल ये है। सो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ नीचे पार्किंग के एरिया में। ठीक है, और ये वाला जीना होता है ऊपर जाने के लिए, और नीचे से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो ये आपका होटल है फर्स्ट फ्लोर, देन उससे ऊपर सेकंड फ्लोर, कुछ इस टाइप से बना हुआ है पूरे राउंड सर्कल में, देख रहे हैं काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है। और नीचे जितनी भी है, नीचे के नीचे जो है पूरा का पूरा शॉप वगैरह बना हुआ है, और साथ ही साथ जो ये कोसी निवास, श्री कोसी निवास होटल का जो है रिसेप्शन एरिया हो जाता है। चलिए एक बार रिसेप्शन पर थोड़ा सा आपको बात कराता हूँ। तो ये हो जाता है आपका रिसेप्शन एरिया, एक बार ये भी आप व्यू ले लो, कुछ इस टाइप से LCD वगैरह लगा हुआ है ना, चेयर वगैरह, देन ये हो गया आपका रिसेप्शन। सो दोस्तों, थोड़ी बहुत अगर आपको खटपिट की अगर आवाज़ आए तो आप उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि जो नीचे जो शॉप वगैरह है तो शॉप में कहीं पे काम चल रहा है जिसका शटर का रिपेयरिंग हो रहा है ऑलमोस्ट, है ना, उस पे हो। ये हम रिसेप्शन नहीं करते। सर, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपका जो कोसी निवास होटल है, तो इसमें अगर मान लीजिए अगर हम आज शाम में 5 बजे एंट्री लेते हैं, चेक इन करते हैं, तो कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए, कल 11 बजे 24 घंटा चेकआउट टाइम है, चेकआउट टाइम 24 घंटे। 12 बजे आते हैं तो कल 12 बजे शाम में आते हैं, कल शाम रात में आते हैं तो कल रात में, सीधा का सीधा यहाँ पे 24 आवर्स का है। आप जिस टाइम पे आते हो उसके अगले दिन आपको उस टाइम से पहले आपको चेकआउट कर लेना। तो ठीक है, ये सारा कुछ हो गया, बाकी मैंने डिटेल्स दे ही दिया, थैंक यू सो मच। चलिए एक बार मैं आपको यहाँ का लोकेशन दिखा देता हूँ, लोकेशन बहुत ही सिंपल है ना। चलिए बैक कैमरा करता हूँ स्टार्ट। ये हम कोसी निवास होटल से एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे शॉप वगैरह जो है बने हुए हैं, लेफ्ट साइड में शॉप मेडिकल्स वगैरह है, राइट साइड में कुछ आयुर्वेदिक वगैरह दवाई वगैरह कॉस्मेटिक, और ये आ गए हम बिल्कुल मेन रोड पे, ये स्टेशन रोड मेन होगी आपका, और यहाँ पे भी देखिए काफ़ी सारे शॉप वगैरह बने हुए हैं, ये देख रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, होटल कोसी निवास प्राइवेट लिमिटेड है, और ऊपर मैंने आपको बताया ना लिखा हुआ है, चलिए दूर से दिखाता हूँ मैं आपको, आप यहाँ से देखो लिखा हुआ है ना, होटल कोसी निवास प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये आपका मेन रोड हो गया, और हम अगर इधर से राइट अगर जाते हैं ये हमारा स्टेशन हो जाता है, और सामने आई थिंक आप ढाला भी देख रहे होंगे, ढाला जो उठा हुआ है 2 मिनट की दूरी पर स्टेशन है, और स्टेशन के पास में जो आपको खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे, शुद्ध शाकाहारी मांसाहारी सब मिलेगा, मारवाड़ी भोजनालय मिल जाएगा, है ना। सहरसा से हमें खाना पीना काफ़ी अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे आता हूँ तो पूरा घर वाला फीलिंग आता है मेरे को खाने में। आप बैक साइड में देख ही सकते हो, दोनों साइड में काफ़ी सारे होटल्स वगैरह, सॉरी रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल बोल सकते हो, है ना। और ये हम आ गए हैं स्टेशन के पास, ये हो गया आपका रेलवे स्टेशन सहरसा जंक्शन का। ठीक है, और यहाँ से भी आपको कोसी निवास होटल नज़र आ जाएगा, वहाँ आप अगर टॉप में देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है होटल कोसी निवास, तो ये है आपका मेन लोकेशन। तो आई होप दोस्तों का आपको ये होटल टूर काफ़ी अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आपने रूम के हर चीज़ों को अच्छे से आपने देखा होगा, और साथ ही साथ आप लोकेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अगर विजिट करते हैं सहरसा तो आप यहाँ पे आकर स्टे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रूम मेरे को लगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और फिर से मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।